बहरीन का वीज़ा स्टेटस कैसे चेक करते हैं? हो सकता है आप में से कुछ मेरे भाई बहरीन का वीज़ा अप्लाई किए होंगे, अपना फैमिली मेम्बर का वीज़ा एग्जिट री एंट्री के पर्पज़ से। तो चेक करने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, ये अप्रूव हुआ है या नहीं आप चेक कर सकते हो। आपको जाना है गूगल में, बहरीन लिखना है, बहरीन ई वीज़ा, ये देखिए गूगल सजेस्ट कर रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से पेज ओपन होगा, ये जो पहला वाला दिख रहा है बहरीन इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा सर्विस, यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह से पेज ओपन होगा, इसको यस एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है ये वीज़ा सर्विस में, यहाँ पे देखिए चेक एप्लीकेशन स्टेटस, ये वाला ऑप्शन में जाना है। अब देखिए यहाँ पे मांगा जा रहा पासपोर्ट नंबर, तो जिसका भी आपने अप्लाई करा था वीज़ा उनका पासपोर्ट का नंबर डाल देना है। उसके बाद नेशनलिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन है, इंडियन है तो इंडिया सेलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे पहले ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, जब भी किसी का बहरीन का वीज़ा अप्लाई करते हैं ना तो एक रेफरेंस नंबर वहाँ पे दिया जाता है जब आप पहला पेमेंट पे करते हो। तो ये है मेरे पास, सबमिट पे क्लिक करना है। देखिए यहाँ पे स्टेटस आ गया है, योर एप्लीकेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड एट दिस टाइम, प्लीज़ कॉन्टेक्ट NPRA फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। यहाँ पे पूरा डिटेल आ गया और यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो इस वक्त कंप्लीट नहीं हो सकता, मतलब इनका वीज़ा ही अप्रूव नहीं हुआ। तो इस तरह से आप लोग चेक कर सकते हो बहरीन का वीज़ा अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ। उम्मीद करूँगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, चैनल पर नया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।